सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ जेके। सो आज हम जा रहे हैं भीमाशंकर। यहाँ से है ऑलमोस्ट 6.5 घंटे की दूरी, और वैसे तो बहुत लंबी दूरी होगी। तो हमने प्लान किया है कि आज हम स्टे करेंगे आज, क्योंकि रात को वापस से वहाँ आना, माउंटेन में सह्याद्री माउंटेन में से वापस आना रात को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि आज स्टे करेंगे। बहुत टाइम के बाद ओवरनाइट स्टे की राइड हो रही है, तो मज़ा आने वाला है। तो इस ट्रिप पे हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। क्या वो आपको बाइक के बताऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने को 6.5 घंटे पे ट्रैवल करना है। तो सीधा मिलते हैं आपको डायरेक्टली बाइक पे। सो फाइनली हम बाइक पे रेडी हो गए। ट्रिप मीटर को करते हैं हमेशा के 13.0। ओके, नाउ रेडी टू फ्लाई। अभी बजे 4:30। अभी देखते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसे होता है। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब सनराइज हो जाएगा। सो मैं पहुंच गया हूँ मालसेज घाट। अभी आप पूछोगे डायरेक्टली मालसेज घाट कैसे पहुंच गया, तो डायरेक्टली नहीं पहुंचा हूँ मालसेज घाट। यहाँ आते आते मैंने जो रूट लिया था वो एक सही था, एकदम सीनिक रूट था। तो आपको भी नज़ारा दिखाऊंगा। जस्ट बताने आया था कि आप वो रूट देखो कि मैं यहाँ कैसे आया। वो रूट अभी आते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन मानसून में आओगे तो क्या तारीफ़ करें। एकदम लैविश ग्रीन आपको मिलेगा अगर मानसून में आते हो। वो रास्ता मैंने लिया था मालसेज घाट के टाइम, जो मेरा वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वो रास्ता कैसा है। अगर आपको ट्रेडिशनल वे से नहीं आना है, जो अपना मुरबड़ रास्ता है वहाँ से नहीं आना है, तब ये रास्ता ले सकते हो। गाइड के लिए मेरा वीडियो जरूर देखना। अरे क्या है ये, देखो देखो कितना फॉग है, देखो। तो बाय द वे अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं पहुंचा हूँ शाहपुर, और शाहपुर से मैंने राइट टर्न लिया है मालसेज घाट के लिए। फाइनली सनराइज़ तो हो ही गया। तो जो फॉग में राइड कर रहे थे सुबह से, और जो ठंडी ठंडी का एहसास हो रहा था, वो थोड़ा कम हो जाएगा अभी। और ये ऐसे ही रास्ते, यही रास्ता में क्या बोलते हो, मेरे माइंड में ऐसे ही था कि ऐसा ही कोई रास्ता होगा यहाँ से जो आगे जाके, और दोनों साइड फील्ड्स ऑफ ग्रीन होंगी, खेती वेती होगी, और सिर्फ रास्ता, कोई बिल्डिंग्स नहीं, कोई सिटी नहीं, ऐसा सुना है मैंने। इसलिए रास्ता लिया डोलखाम। नाम ध्यान रखना, डोलखाम। वो देखो जो सूरज जो है वो भी एकदम सूरज का गोला क्लियर दिख रहा है फॉग की वजह से। सही है। और जो मैं बोल रहा था ना कि कुछ नया ट्राई करेंगे इस बार, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है कि नॉर्मली सिनेमेटिक वीडियो बनाता हूँ, तो सिनेमेटिक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम जाता है, एक स्टोरी बिल्डअप करने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो सोचा है कि जो भी मेरे वीडियो है रॉ, जैसी कैमरा को मेमोरी कार्ड से कॉपी करके कट कर जो भी इररिलेवेंट पार्ट है निकाल के, मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे, और सिनेमेटिक वीडियो है उसका अलग सा वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए बहुत टाइम जाता है। तो क्या है कि मेरा जो सीरीज या वीडियो जो है टाइम पर आता रहेगा। तो आप कमेंट ज़रूर करना जो मेरा आइडिया है कि जो भी रॉ वीडियो है एज इट वैसे अपलोड कर देने का, विदाउट कलर ग्रेडिंग, विदाउट एडिटिंग एनीथिंग, बस कट, और फिर जो सिनेमेटिक वाला वीडियो है जो मैं जो फुर्सत में बनाता हूँ, कि मुझे टाइम वैसे भी कम मिलता है क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, और ये यूट्यूब तो मैं वैसे ही एज अ हॉबी कर रहा हूँ। तो जो भी संडे को एडिटिंग करता हूँ तो टाइम तो लग ही जाता है वीडियो एडिट होने में अगर, लेकिन ऐसा मैं करूँगा तो मेरा वीडियो टाइम पर आ ही जाएगा। अगर मैं डाइट कर रहा हूँ तो क्या एक दो घंटे में तो एडिटिंग हो ही जाएगा। आप जरा ये भी नज़ारा एंजॉय करो, तब तक मैं भी ये नज़ारा एंजॉय करता हूँ। हाँ, क्या है ये ज़बरदस्त। तो मैं इसकी बात कर रहा था, अभी ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन येलो हो गए क्योंकि हम विंटर में आ गए। मानसून में अगर आते हैं तो सारा ग्रीनरी होता है, ये तो एकदम लैविश ग्रीन दोनों बाजू में, और बीच में रास्ता अच्छी कंडीशन वाला रास्ता, तो एक अलग ही मज़ा मिलता है, अलग ही फीलिंग आती है। देखो, और ये अपना क्या बोलते हैं, फॉग तो जाने का नाम ही नहीं रहा। सूरज कितना ऊपर आ गया फिर भी फॉग तो है। सही है, मज़े बस राइड के मज़े लो। डेस्टिनेशन हमारा भीमाशंकर है, लेकिन भीमाशंकर हम सीधा भी जा सकते थे, लेकिन वो सीधा जाने की आदत ही नहीं है, अपने को सीनिक रूट लेके ही जाना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको रोड ट्रिप का मज़ा लेना है डेस्टिनेशन से ज़्यादा, तो ऐसे कुछ रास्ते हैं जो आपको लेने चाहिए, ट्रैवल करने चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि ये GoPro जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो नज़ारे हैं सही है। हाँ,
जो बैर आंखों से हम लोग देख रहे हैं ना, जबरदस्त। तो अगर आपको मालशेज घाट में आना है तो ये एक अल्टरनेट रास्ता है डोलखाम वाला, सेम शाहपुर डोलखाम। ताको ट्रेडिशनल वे जो मुरबड़ रास्ता है वो रास्ते पे राइड नहीं करना है, वो रास्ते से होके मालशेज नहीं जाना है, तब ये रास्ता ले सकते हो। अभी का तो नज़र ऐसा है, लेकिन मानसून में आओगे तो ये सारा आपको लैविश ग्रीन मिलेगा, ग्रीन। मैं पर आया था लास्ट टाइम, उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आपको देखना है तब देख सकते हो। सो फाइनली ये जो रास्ता है अभी, ये मालशेज घाट वाला रास्ता है। तो ये पूरा पहाड़ हमें चढ़ के जाना है मालशेज घाट, नाम तो सुना होगा। ये क्या, सब राइडर लोग आ गए, सैटरडे राइड, सैटरडे का दिन है तो सब राइडर कम्युनिटी आ गई ऊपर। लेकिन हमें बस ये है कि मालशेज घाट हमें बाईपास करना है, हमें जाना है भीमा शंकर। तो मालशेज घाट का तो वेरी फेमस पॉइंट, ओके यहाँ देखो कितना क्राउड है। और ये वाला पॉइंट जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, भोगदा, मालशेज घाट अथवा भोगदा। और ये टनल्स, टनल में भी जाने का अलग ही मज़ा होता है, अलग मज़ा आता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे भीमा शंकर के लिए। मालशेज घाट में बहुत ही रश है, सैटरडे है, लेकिन पूरा रास्ता खचाखच भरा है, बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है और क्राउडेड भी है। तो मुझे क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं आती, तो हमारे यहाँ सा वैसे मालशेज घाट घूमने नहीं आए थे हम लोग, हम जा रहे भीमा शंकर, लेकिन सोचा कि मालशेज घाट होके ही जाएंगे। तो आपको मिलते हैं अभी ऑन द वे बाइक पे गोप्रो मोड में। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं मालशेज घाट से, जो नीचे जो पॉइंट है वो निकल गए थे। तो ये रास्ता आया था वो जाएगा झुन्नर। तो यहाँ आगे शायद से शिवनेरी फोर्ट भी है इसी रोड पे। तो मालशेज घाट क्रॉस करने के बाद और एक घाट आया झुन्नर टू, ने मालशेज घाट उतरने के बाद झुन्नर के लिए जाने का रास्ता है ये। और ये रास्ते पे मस्त नागमोड़ी वलनई हेरपिन बेंड, हमने ब्रेक लिया अभी। हम हैं अराउंड 50 किलोमीटर पहले, तो हमारा चल रहा है ब्रंच, 12 बज गए, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट और लंच साथ में भी कर रहे हैं। तो पुणे के एरिया में है तो मिसल पाव खाना बनता ही है, उसके लिए कुछ दूसरा ऑप्शन है नहीं अपने लिए। और अच्छा है मिसल पाव, लोकल अच्छा ही होता है। एनीवे फटाफट ख़त्म करते हैं, वापस आपको मिलते हैं ऑन द रोड गोप्रो मोड में, ओके। मिसल पाव खाना कभी भी अच्छा ही लगता है। और चेकिंग, पुलिसों की चेकिंग, और बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, आ रही भी है, आ कम रही है, गाड़ियां ऊपर बहुत जा रही है। वीकेंड के लिए हो सकता है, वीकेंड इसलिए बहुत ज़्यादा रश मिले ऊपर, लेट्स सी, हो सकता है कि लोग एकदम क्या बोलते हैं उसको, जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वापस से ओमाइक्रोन के हिसाब से लॉकडाउन आएगा तो सब वापस से बंद हो जाएगा, तो उसके पहले सब जो भी है निपटा लो। भीमा शंकर ऊपर चढ़ने, हमारी चढ़ाई तो चालू हो गई, और यहाँ के रास्ते देख के ना लद्दाख की याद आती है। एक ही फ़र्क है कि यहाँ थोड़े से ग्रीन या फॉरेस्ट टाइप के पहाड़ है, वहाँ आइस के पहाड़ होते हैं, बस एक ही फ़र्क है। लेकिन देखो कहाँ से नीचे से आ गए हम लोग, और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर। और ये क्या लैंडस्लाइड हुई है, ओपरे डेंजरस है, लैंडस्लाइड भी होती रहती है इधर, इतना रोड खतरनाक है कि इसमें रात को ट्रैवल एडवाइजेबल नहीं है, ज़रा भी नहीं है, क्योंकि ज़रा भी अगर जो भी अगर अनफॉर्चुनेट सीन हुआ तो सीधा नीचे, और बहुत नीचे जाएंगे। मेरी मम्मी वैसे मुझे बोल रही थी कि भाई ठीक से जाना, क्योंकि भीमा शंकर में घाट बहुत ज़्यादा है, रास्ता थोड़ा रिस्की है, तो आराम से चले जाना भैया। एनीवे प्रिकॉशन तो हम लेते हैं, ज़्यादा रश राइडिंग नहीं करते, आपको भी नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बाइक, बाकी भी व्हीकल जो है वो रश ड्राइविंग करना ही नहीं चाहिए ऐसे रास्तों पर, क्योंकि सेकेंड चांस मुश्किल से मिलेगा ये केस में। अगर कुछ होता है, अनफॉर्चुनेट सीन होता है, तो मुश्किल से सेकेंड चांस मिलेगा। और ये लोग यहाँ क्यों रुके हैं, अरे यार बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं और ये यहाँ रुके हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग,
तो थोड़ी देर में मतलब अभी यहाँ से अराउंड 30-35 किलोमीटर बचा है भीमा शंकर गूगल माता जी के हिसाब से। तो एनीवे पहुँच जाएंगे, एक आध घंटे में पहुँच जाएंगे। सैटरडे के दिन यहाँ आ तो गए, लेकिन मंदिर के पता नहीं अभी यहाँ से मंदिर कितना दूर, शायद से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आगे चक्का जाम है। देखो लोगों ने अपने हिसाब से सब चक्का जाम करके रखा है, तो देखते हैं आगे जाके। वही रूम पहले सोचा है कि रूम देखते पहले, उसके बाद रूम देखने के बाद फिर आगे का प्लानिंग करते हैं।